बाड़मेर शहर में बढ़ते दबाव के बाद यातायात व्यवस्था दिन प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है। हेलमेट लागू होने के बावजूद भी वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो रोंग साइड में वाहन चलाना और नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना मानो फैशन सा बन गया है। इस संबंध में नवनियुक्त यातायात प्रभारी किशन लाल यातायात व्यवस्था संभालने के लिए जाप्ता कम होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बाड़मेर शहर ज्यों-ज्यों विकास कर रहा है और शहर का दायरा बढ़ रहा है, उसी के अनुरूप शहर में यातायात के दबाव में भी बढ़ोतरी हो रही है। जब ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली ट्रैफिक पुलिस की ढिलाई के चलते यातायात व्यवस्था दिन प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है। हेलमेट की अनिवार्यता लागू होने के बावजूद भी वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते, तो रॉन्ग साइड में वाहन चलाना और नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना मानो फैशन सा बन गया है। शहर के मुख्य चौराहों या फिर मुख्य मार्ग यातायात व्यवस्था बेपटरी नजर आती है। सबसे ज्यादा हालत खराब किसान बोर्डिंग के आगे ओवर ब्रिज क्रॉसिंग, अहिंसा सर्किल और स्टेशन रोड मार्ग पर है, जहाँ यातायात का ज्यादा दबाव होने के साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना कर वाहन चालक व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हैं। कई स्थानों पर यातायात पुलिस की गुमटिया है, तो यातायात पुलिस कर्मी भी घूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर कोई खास प्रयास नहीं नजर आते। ऐसी स्थिति में शहर की यातायात व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। इस संबंध में नव नियुक्त यातायात प्रभारी किशन लाल यातायात व्यवस्था संभालने के लिए जाप्ता कम होने की बात कह अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं उनका अभी चालान भी हो रहा है, किए भी हैं अभी प्रेजेंट में और कर भी रहे हैं। बाकी स्टाफ लगा हुआ है, बाकी स्टाफ की थोड़ी कमी चल रही है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। फिर भी व्यवस्था बनाने के लिए मेरे पास तो अभी होमगार्ड वाला आया नहीं है, अभी बाकी बाज़ार में सारे जगह भेजना पड़ता है, जाप्ता तो कम ही है। मेरे हिसाब से अब चार दिशा में तो कम से कम चार स्टाफ तो हो, तभी जाके ये कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास दो है, चार की जगह दो ही है। दो अधिकारियों से बात किया? अधिकारियों से तो हमारे इंचार्ज करेंगे, जैसा है जब स्टाफ की कमी के हिसाब से। यातायात पुलिस की ढिलाई के चलते शहर में पूरी व्यवस्था चौपट नजर आती है। अहिंसा सर्किल और किसान बोर्डिंग के आगे हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसके अलावा स्टेशन रोड पर वाहन चालकों की ओर से बेतरतीब वाहन खड़ा करने से मार्ग पर दिन भर आवागमन प्रभावित होता है, लेकिन यातायात पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर विशेष प्रयास करती नजर नहीं आ रही।